वैक्यूम क्लीनर। जी हाँ दोस्तों, इससे हम जो है किसी भी जगह पर अपना जो कचरा है उसको साफ कर सकते हैं। ये जो है चीज को अंदर खींच लेता है, लेकिन आज हम इसको बंद कर देते, इसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज है। आज हम इस मशीन की मदद से कुछ भी साफ नहीं करने वाले, बल्कि वैक्यूम पैकिंग करने वाले हैं, वो भी हमारी भूसा की, जो कि खड़ी है यहां पर। दोस्तों ये है हमारी हायाबूसा, हमारी शेरनी, और इसकी जो वैक्यूम पैकिंग है वो हम लोग आज करने वाले हैं। वैक्यूम पैकिंग का मतलब है कि इस बाइक को एक पॉलिथीन के अंदर बंद करने वाले हैं, वो भी वैक्यूम की मदद से। जिस तरीके से फूड की पैकिंग होती है ना, जैसे कि आप कोई भी अखरोट खरीदते हैं या बादाम खरीदते हैं, काजू खरीदते हैं, तो उनकी वैक्यूम पैकिंग आती है। वैक्यूम सीलिंग की वजह से अंदर की सारी हवा बाहर आ जाती है, तो अंदर कोई एयर नहीं बचती, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से वो खराब नहीं होता। लेकिन हमने सोचा वो छोटी छोटी चीज़ों पर होता है, क्यों ना उस चीज़ को बड़ी चीज़ पर, यानी कि बाइक के ऊपर किया जाए। क्या हम बाइक को वैक्यूम पैक कर पाएंगे? इसको तो मैं रख देता हूँ, क्योंकि भाई जो बाइक है उसके अंदर देखो कई ऐसी लंबी लंबी चीज़ें भी होती हैं, इसके अंदर मिरर्स होते हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बाकी बाइक से थोड़ी सी अच्छी है, तो शायद इसकी पैकिंग और अच्छे से हो सकती है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, और भाई एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है यार गाइस, इसीलिए इस वीडियो के लिए लाइक जरूर से करना बनता है। प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को अभी की अभी। शुरू करते हैं। दोस्तों स्पोर्ट्स देखना कभी कभी काफी बोरिंग हो जाता है, तो भाई कैसा रहे अगर हम स्पोर्ट्स को देखते देखते प्रिडिक्शन भी कर सकें, इवन हम कई चैंपियनशिप और इवन आईपीएल के ऊपर भी अगर प्रिडिक्शन कर सके तो कितना मजेदार रहेगा। ये सब कुछ हम कर सकते हैं पारी मैच ऐप का यूज करके, जो कि एक बहुत ही कमाल की ऐप है। और यहां पर भाई सबसे अच्छी बात यह कि आप कई स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल के अंदर, क्रिकेट के अंदर, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के ऊपर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो डिपॉजिट की अमाउंट है वो बहुत ही कम होती है, आप जो है इजीली विड्रॉल कर सकते हो, बहुत फास्ट विड्रॉल कर सकते हो, 24/7 का कस्टमर सपोर्ट भी अवेलेबल है। दोस्तों पारी मैच एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसकी 27 साल पुरानी हिस्ट्री है, और ये अपने यूजर्स को कैशबैक भी देता है। दोस्तों पारी मैच के ब्रांड एंबेसडर डेल स्टेन है, और यहां पर आप कबड्डी के ऊपर भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, भाई कमाल की बात है ना। तो भाई आपको क्या करना है मैं बता देता हूं, आपको गूगल पर जाकर के टाइप करके सर्च करना है पारी मैच, और वहां पर आपको 15,000 रुपए तक का वेलकम बोनस भी मिल सकता है, तो भाई साहब चांस मिस मत कीजिए। तो गाइज इस ब्लू कलर की पॉलिथीन का हम लोग यूज करेंगे बाइक को वैक्यूम पैक करने के लिए, और यहां पर एक खासियत होनी जरूरी है, जो पन्नी है जिसका यूज हम पैकिंग के लिए करेंगे वो थोड़ी सी लचीली होनी जरूरी है। अगर उसके अंदर लचक नहीं होगी ना तो वो जो है फट जाएगी, वैक्यूम सीलिंग नहीं होगी, फट जाएगी तो हवा वहां से घुस जाएगी, ठीक है। तो इस पॉलिथीन को बाइक की शेप में काटना पड़ेगा, मतलब बाइक की में भी नहीं, एक चौकोर शेप में, जो कि जिसमें बाइक फिट हो सकती है। और गाइस भूसा हमने वहां खड़ी कर रखी है, उसको बिल्कुल भी हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। गाइस स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि स्टार्ट करेंगे, वो बाइक है 1300 cc की, स्टार्ट करते ही इतनी ज़्यादा गर्मा जाएगी, पन्नी पन्नी को जला डालेगी, इसलिए हमने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, एक सेल्फ भी उसमें नहीं मारा है अभी तक। तो इसको खोलते हैं और पन्नी काटते हैं। तो गाइज हमने इस पूरी पॉलिथीन के एक साइड में जो है टेप लगा दी है, और अब ये पाउच जैसा बन गया है। इधर से हम जो है बाइक को घुसाएंगे, यानी कि इसको रखेंगे और बाइक को बैक ले लेंगे ऐसे की ऐसे, तो इसके अंदर घुस जाएगी। फिर इस साइड को भी सील करेंगे ताकि ये पूरा एक पाउच बन जाए बंद, और फिर हवा को बाहर सक करेंगे, ठीक है। इसको खोलो और बाइक में पीछे करता हूँ, चलो मैं नीचे हो जाता हूँ। गाइज मैं कहाँ हो गया हूँ यार इसको घुसाने के लिए, आजा आजा अंदर आजा। तो गाइज जो भूसा है वो अंदर घुस चुकी है वैक्यूम की हमारे इस पाउच में, ठीक है करतार, और ले लूँ पीछे, यार मेरा मन कर रहा है मैं भी इसी में रह जाऊँ गाइस ऐसे कि ऐसे। और यार अंदर भाई अलग सा लग रहा है यार, भूसा के साथ आ गया, ऐसा लग रहा है कि मैं भूसा की डिलीवरी ले रहा हूँ, नई बाइक मेरे को मिल रही है और मैं बाइक के साथ ही निकल रहा हूँ पैकिंग में से ही। अरे यार और कुछ स्टैंड के नीचे लगाने के लिए दे दो। चलो ठीक है गाइस, आई थिंक ये ठीक है, आराम से बाहर निकलूँगा ताकि ये फट ना जाए, फटी और सारा मजा खराब। अब यहाँ से भी इसको सील कर देते हैं, चलो करतार को आने दे। अरे आजा करतार आजा। मुझे लगा उधर से निकल जाएगा, पर उधर से तो ऑलरेडी बंद है वो। दोस्तों पूरी बाइक के ऊपर हमने पन्नी लगा दी है, बस नीचे थोड़ी सी जगह यहाँ पर खुली हुई रखी है, और इसके अंदर हम जो है इस पाइप को डाल रहे हैं, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर हम लोग टेप लगा देंगे।
तो भाई सिस्टम पूरा तैयार है, अब हमको सिर्फ इसको चलाना है और देखना है कि क्या होता है। अब भाई करूं चालू? गाइस वैक्यूम होने वाली है बाइक, ये लो। हैं खींच रही है, हवा रही है, हैं गाइस खींचना तो चाहिए इसको। हाँ चल रहा है, चल रहा है, मस्त चल रहा है, जा रहा है, जा रहा है गाइस, जा रहा है। अरे वाह, हवा कम हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, खिंच रही है, खिंच रही है। ओए 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 ओ तेरी गाइस, जो भूसा है वो यहाँ पर वैक्यूम सील हो चुकी है आप लोगों के सामने। देखो भाई साहब पूरी की पूरी जो है, ओ तेरी, देखो ये देखो, ये टायर दिख रहा है इसमें से, ये देखो टायर किस तरीके से पैक हुआ है ना, मस्त है ना ये। ये चैन देखो इसमें से दिख रहा है ये। ओहो, और आगे का जो हिस्सा है, इधर आओ इधर आओ, देखो यहाँ पे सुजुकी भी हमको दिख पा रहा है। देखो ये सुजुकी यहाँ दिख रहा है, पूरी लाइट है, ये भी बढ़िया से रैप हो गई है इसमें। क्या बात है, और इधर से भी दिखा दो एक बार देखो। अरे यार ये जो है यहाँ से फट गई तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ से। गाइस एक बार दोबारा से हमने पन्नी को सेट किया है और इस बार मुझे उम्मीद है कि पिछली बार से बढ़िया पैकिंग होगी। चलने दो चलने दो, बढ़िया हो रही है इस बार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओए इस बार मस्त है गाइस, इस बार पिछली बार से तो कितनी मस्त यहाँ पर पैकिंग हुई है। इस पे थोड़ा टेप मार देंगे तो अच्छा रहेगा क्या? अरे मस्त है, मस्त है, बहुत बढ़िया। भाई साहब इस बार देखो गाइस, जो हायाबुसा है वो यहाँ पर वैक्यूम में रैप हो चुकी है बुरी तरीके से। इस बार पूरी जो बाइक है, सोचो कि हमने इतने सिंपल सिस्टम के साथ में, जहाँ पर हमारे पास में एक नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर है, उसकी मदद से बाइक को ही वैक्यूम रैप कर डाला है। क्या बात है, और अब जो है इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है, अब समझ में भी आ रहा है गाइस ये भूसा है, ये टंकी है, ये नीचे पैर के लिए है, सीट्स है, यहाँ पर साइलेंसर है, टायर है। क्या बात है गाइस, यार मस्त है। ये ब्रेक यहाँ से फट गया है, जो पहने वाले हिस्से हैं, जो लंबे हिस्से हैं ना, वो इस पन्नी को जरूर से फाड़ दे रहे हैं, लेकिन गाइस चीज़ मस्त है ना। क्या बात है दोस्तों, अब वैक्यूम चालू है, बाइक को स्टार्ट करने वाले हैं। वैक्यूम पैक्ड हायाबुसा पहली बार शायद कोई कर रहा होगा स्टार्ट, बाइक को खड़ा करना पड़ेगा, चाबी ऑन, और ये बाइक बिना स्टैंड हटाए गाइस स्टार्ट नहीं होती। स्टैंड हटाएंगे क्या? नहीं, हट गया हट गया, बढ़िया बढ़िया, क्लच दबाया है, स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टैंड पूरा हट गया यार गाइस। अरे एक सेकेंड, अब दिख नहीं रहा ना, वो स्विच बंद है, हैं स्विच कौन नहीं हो रहा यार। हाँ ठीक है, हो गया गाइस, मार रहा हूँ सेल्फ। अब इसको हवा कहाँ से मिल रही है गाइस, इसको हवा कहाँ से मिल रही है? कैसी आवाज आ रही है, फटी फुटी, बहुत बेकार, ऐसा लग रहा है जैसे हायाबुसा के साइलेंसर फाड़ डाले हो किसी ने, फर्र, और बहुत तेज आ रही है। एक बार फिर से कर रहा हूँ, ये किया, फट गया क्या? गाइस बहुत अलग आवाज आ रही है यार, है? बंद हो गई, अपने आप बंद हो गई। आहा गाइस, अब पता है क्या हुआ है, क्या हुआ है कि जो बाइक है उसने इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन थी सारी इस्तेमाल कर ली। अब मैं अगर यहां पर सेल्फ मार रहा हूं, ये स्टार्ट हो गई है, फिर से बंद हो गई, फुल रेस है, फुल रेस है, फुल रेस है, बंद हो गई। फुल रेस में एक बार झटका मार रही है, वो भी जो इसमें से ऑक्सीजन इतना देर में घुस रही होगी ना इन छेदों में से, वो फिर यूज कर रही है, लेकिन गाइस बंद हो जा रही है बाइक। देखना स्टार्ट होगी थोड़ी देर के लिए, फुल रेस है, फुल रेस है, बंद। तो भाई साहब बंद हो जा रही है बाइक, यानी कि अंदर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यार जब शुरू में जब इसमें थी तब तो गुंजा दिया था इसने, बहुत तेज इसकी साउंड हो गई थी। क्या बात है गाइस, ये देखो अंदर भूसा ही है, अंदर भूसा ही है, और अब ये शायद बढ़िया, उसको बंद कर दो, और अब ये जो है मस्त से स्टार्ट हो जाएगी।
इतने सेल्फ क्यों ले रही है भाई, इतने तो कभी नहीं लेती है, एक दो में हो जाती है। ओहो खुद के कान फोड़ना इसमें रेस मारने का मतलब। देखो गाइस भूसा की आपको आवाज अच्छे सुनाता हूँ, देखो अब मैं बोलता रहूंगा कंटिन्यूसली उसी टोन में उतनी आवाज में, और आप लोग मेरी आवाज को सुनना और इसके इसके कितनी रह जाती है सुनना। तो गाइज यहाँ पर मैं टेस्ट करने वाला हूँ भूसा का साउंड, भूसा को जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप लोग मेरी आवाज पता नहीं कितने सुन रही है, मैं उसी तरीके से बोल रहा हूँ, रेस मारता हूँ अभी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज सुन रही होगी उसमें, मुझे खुद नहीं सुन रही स्टैंड गाइस का अभी। हाँ क्या चल गई, इसीलिए तो स्टार्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मजे ले सकते हैं बाद में। ओहो गाइस पन्नी जला डाली इसने तो भाई साहब। अरे इधर आओ इधर आओ, इधर वाला देखो, इधर वाला भी जल गया गाइस, पन्नी जल गई देखो, आया गर्म है गाइस, पन्नी जला डाली और गर्म गर्म हवा आ रही है, हटाओ रे यार इसको। तो भाई साहब जो भूसा है वो तो भूसा है, भले ही वैक्यूम पैक कर लो कुछ भी कर लो, लेकिन गाइस कर तो डाला यार हमने ये चीज, जो कि और कोई शायद सोचेगा नहीं खुद की भूसा को वैक्यूम पैक करने का, लेकिन हमारा काम है आप लोगों को नई नई चीजें दिखाना, तो वो हम करते रहते हैं। अगर आपको मजा आया वीडियो में तो लाइक वीडियो के लिए जरूर से ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोज के लिए। भूसा है आपके सामने और क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो गाइस ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में कभी कभी हो जाता है, और मज़ा काफ़ी आया यार इस चीज़ में। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।